खबर मिर्जापुर के हालिया थाना क्षेत्र की है, जहां बेटे ने अपने ही ससुर के साथ मिलकर अपनी मां और उसके प्रेमी की हत्या कर दोनों के शवों को जंगल में ठिकाने लगा दिया। घटना मिर्जापुर के हालिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मटिहारा जंगल की है, जहां 13 सितंबर को वन कर्मी सुरेंद्र और विभाग में काम करने वाली महिला ननकी देवी की धारदार हथियारों से हत्या कर शव जंगलों में फेंक दिया गया। सुरेंद्र और ननकी देवी में अवैध संबंध से मृतक ननकी देवी का लड़का मिथिलेश परेशान रहता था। इसी के चलते उसने अपने ससुर लक्ष्मण के साथ हत्या की पूरी साजिश डाली। 13 सितंबर को जब सुरेंद्र और ननकी देवी जंगल में गए, सुरेंद्र उस वक्त शराब के नशे में था। इसी का फायदा उठाकर मिथिलेश और लक्ष्मण ने मिलकर फावड़े से उसकी हत्या कर डाली। वहीं जान बचाकर भाग रही माँ के बीच चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी और दोनों के ही शवों को जंगल में छिपा दिया। आखिरकार इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर पुलिस ने ससुर को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बेटा अभी फरार है। वहीं पुलिस बेटे की जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। 13 तारीख को हालिया के जंगलों में एक दो डेड बॉडीज मिली थी, जिसमें एक जंगल के वॉचर सुरेंद्र सिंह थे और उनके साथ में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। और इस घटना के अंदर में हमारी तीन टीमें लगी थी, इसमें एसओ अदलाट, एसओ हालिया और क्राइम ब्रांच की तीन टीमें हमने लगाई थी, जो साक्ष्यों को संकलित कर रही थी। इसमें जो घटना का अनावरण हुआ है, उसमें ये पता चला है कि जो इस घटना में इनके बेटे हैं मिथिलेश, महिला के जो बेटे हैं, क्योंकि इनका अवैध संबंध था सुरेंद्र सिंह के साथ में, तो इन्होंने अपने संधि के साथ मिलकर उनकी हत्या की है। इसमें जो हमारे साक्ष्य संकलित हुए हैं, उसमें आला कत्ल की बरामदगी है वहाँ पर मौके से। इसके अलावा चश्मदीद साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद है। उस वक्त वहाँ पर ये मौके पर देखने पर पता चलता है कि वहाँ पर मछली की पार्टी हो रही थी, साथ में शराब भी पी गई थी लोगों के द्वारा। सर, दोनों की हत्या का मोटिव क्या निकला, दो लोग की? देखिए, इसमें अवैध संबंध था, तो इसमें पहले सुरेंद्र सिंह के साथ में कहासुनी हुई और उसमें उनको मारा गया, और जब महिला ने उनको देख लिया तो महिला को ही मारा। बेटे ने अपनी मां को मारा जी। और